तो हमारा कोको एकदम सोना बाबू बन गया, गोरा गोरा चिट्टा चिट्टा। तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह करूँ टिंग 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 तेरह करूँ टिंग टिंग तेरह करूँ गिन गिन के या ओ मेरे कोको ला 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 ओ मेरे कोको। देखो भाई सीन ऐसा है, जब हम डॉक्टर के पास गए थे ना तो डॉक्टर ने बताया था आप कोको को नहला सकते हो लेकिन 2 महीने बाद। अब ये 2 महीने से 10 दिन और ऊपर हो चुका है, ये 70 डेज का हो चुका है, तो ये भी नहा सकते हो। और ये इतना गंदा हो चुका है ना, मतलब जब से हमारे पास आया हम इसको डिटोल से तौलिए से एक डॉक्टर ने लिक्विड दिया था, हम उसी से साफ करते हैं, लेकिन आज तक ये नहाया नहीं है। तो आज ये पहली बार नहाने वाला है गंदा। एक बार इसका चेहरा देखो, मतलब ध्यान से देखना, फोकस करता हूँ, ये देखो ये देख रहे ये जो मूंछों के बाल है। अरे रुक तो जा, अरे रुक जा मेरे दोस्त, ये देखो एक बार तो दिखाने दे कोको, ये देखो ये जो इसके मूंछों के बाल है ना, ये ऐसे हार्ड हो रखे। हार्ड क्यों रखे? जब सेरेलेक खाता है पूरा मुंह अंदर डुबो देता है, वो सेरेलेक चिपक जाता है, दिन में कितनी बारी मुंह धोलेंगे। आज इसको हम नहलाने वाले कोको, आज तू नहाएगा, आज तू नहाएगा। तो भी टाइम हो रहा है दोपहर के 12:30, सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, बड़ों को प्यारी पोनो और छोटों को हेलो। तो होप करता हूँ आप सब मेरी तरह बढ़िया होंगे, मेरी तरह नहीं हमारी तरह बढ़िया ही होंगे। चल कोको हो जाए, हैं पता नहीं इसका कैसा रिएक्शन रहेगा। ये देखो मतलब अभी खाली में इसके फेस पे हाथ लगाता हूँ ना, ये देखो प्यार से, ये देखो मुंह खोल लेता है। अय्या उबासी, अबे कितना सोएगा, चलो चलो नहीं नहीं करें ये, आज तो नहीं नहीं करेंगे। अब इसके बाद बाल्टी वाल्टी तो है नहीं, तो देखो ये वॉश बेसिन इसके लिए मेरे को लग रहा है परफेक्ट है। इसमें इसको बिठा देते हैं, बैठ जा बेबी बैठ जा। और अभी ना मैंने गीजर चला के हल्का पानी गर्म कर लिया था, मतलब बिल्कुल कोसा कोसा। चला जा आ जा आ जा बैठ जा बैठ जा कोको बैठ जा। अभी देख तू चमक चमक के निकलेगा, चमक के। हाँ हाथ दिखा, पैर दिखा, पैर दिखा। कोको बेबी रुक जा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, पानी है, मैं हूं ना, मैं खड़ा होता हूँ यहाँ पर, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस हो गया हो गया हो गया। ना लिए ना लिए, बिल्कुल सेम ऐसे ही जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी नहाने से बहुत डरते हैं। कोई नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। हो गया देख, हो गया, अब देखो कितना शांत खड़ा हुआ है, शांत मतलब चिल्ला रहा है, भाग नहीं रहा। रुक जा रुक जा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ बेबी, नहा लिया नहा लिया। कैसी, जैसे वो बकरी नहीं निकल आती, मतलब लेके हम डॉग आए थे नहाने के बाद, बोला ना बकरी बन जाती है ये, तो एकदम बकरी बनी हुई है। चल बकरी, कोको की आएगी बारात, ए कोको। और कुछ कहाँ जा रहा है, रुक जा रुक जा। क्या हुआ बेबी, क्या हुआ, मैं मार थोड़ी रहा हूँ तेरे को, एक तो तेरी नहाई नहाई करी है, तू सोना बाबू बन जाएगा। क्या हुआ क्या हुआ, ठीक है अब तो नहीं चिल्लाएगा, इसको प्यार से समझाओ ना तो समझ जाता है। कच गोदी में कपड़े मेरे पूरे भिगो दिए इसने। ओए 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 बस ड्रायर करते हुए ना हमें ये ध्यान देना है, ज्यादा गर्म हवा भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा ठंडी हवा भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल हवा। चल कोको, सूख गया जितना सूखना था, अभी ये भाग भाग के अपने आप सूख जाएगा। ए मेरे बाबू, गोरा गोरा निकल आया अंदर से, पहले भी आई क्या कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं, छोड़ दे छोड़ दे। भाई बचाओ बचाओ, क्या चाहता भाई, देख लो ये मुझे कह रहा भाई तूने आज मेरे को नहलाया कैसे, छोड़ूंगा नहीं तेरे को आज। अरे भाई गलती हो गई, अगली बार से नहीं नहलाऊंगा। अच्छा माफ कर दे, एक बारी माफ कर दे मेरे भाई, तेरे सराहने पे चढ़ जाता हूँ।
बस मुझे यही डर था, यही डर था। कोको नहीं बेटा, टूट जाएगी, वीडियो एडिटिंग कैसे करूंगा। छोड़ दे बेबी, बेबी छोड़ दे। तो हमारा कोको एकदम सोना बाबू बन गया, गोरा गोरा चिट्टा चिट्टा है कोको। अभी ये बेचारा नींद में है, देखो अभी आंखें खुली हुई है ना। ये हम सो गए। ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही होता है, ये आप लोगों के साथ भी होता है। जो चीज़ हमारे पास नहीं होती ना, या ताज़ी ताज़ी हमने बेची होती है, उसका ज़रूरी काम पड़ जाता है। आज अपने पास गाड़ी नहीं है, लेकिन गाड़ी की अहमियत पता लग रही है। एक्चुअली चक्कर क्या हुआ, मुझे शादर तक जाना है, 5 बजे मुझे वहाँ पहुँचना है, 4 ऑलरेडी बज चुके हैं। बाहर इतनी कड़ाके की धूप निकली हुई है ना, जाने का मन नहीं भी हो रहा, लेकिन ज़रूरी काम इतना है कि जाना ही पड़ेगा। बाइक लेके जाते हैं, किसी काम से जा रहे हैं, वहाँ से हमें कुछ लेके आना है, और बस बताऊंगा बाद में बताऊंगा क्या करने जा रहे हैं, लेकिन बस वही है, आज गाड़ी नहीं है तो देखो भरी धूप में जाना पड़ेगा। चलो चले फटाफट से काम निपटा के आते हैं, लेट्स गो। सो फाइनली वी आर रेडी। मैं सोच रहा हूँ शॉर्ट पहन लेते हैं, बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है, टैनिंग हो जाएगी। चला जा भाई। तो यार अभी अपनी बाइक की चाबी में बढ़िया छल्ला भी नहीं है, एक बढ़िया कीरिंग भी लेना है। चलो भाई चलो। ये देखो कबूतर ने यहाँ पोटी कर दिया, पीछे जाल लगाया तो उसने बाइक पे कर दी, दुश्मन ही निकाल रहे हैं हमसे पुरानी कोई। यार एक काम और करना है, एक्चुअली मेरे मोबाइल में ना बैटरी कम है, तो हम इसको चार्जिंग पे लगा देते हैं यहाँ पर, और साथ में गूगल मैप भी लगा देंगे। ले जाने को हम भूसा भी लेके जा सकते थे, लेकिन पहले ही बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है और भूसा हीट इतने ज़्यादा फेंकती है, इसलिए भूसा का प्रोग्राम कैंसिल किया। हमने उठाई BM, ये मतलब मेरी फेवरेट बाइक हो गई है यार, इतनी कंफर्टेबल, टेंशन नहीं, हीट ज़्यादा नहीं फेंकती, भागती है, कूदती है, बढ़िया कट मारती है। ओ भाई साहब क्या कर रहे हो, हमें भी निकलने दो, मतलब बहुत बेहतरीन है यार, मज़ा आ गया। अब मैंने ना कल रात को बैठ के आराम से ठंडे दिमाग से सोचा, अरे 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 भैया मेरे हरी लाइट तो मेरी थी शायद, क्या बता रहा था, हाँ आराम से सोचा कि भाई सबसे पहले ना जितनी लाइफ में उलझी हुई चीज़ें हैं ना यार, BMW कितनी प्यारी लग रही है, वाह वाह मज़ा आ गया। सेम मेरे वाला मॉडल ही है, 520 सेक्सी। हाँ तो क्या बता रहा था, भूल ही जाता हूँ, हाँ आराम से बैठ के मैंने सोचा कि जितनी उलझी हुई चीज़ें हैं ना मेरी लाइफ में, सबसे पहले वो सुलझानी है सारी की सारी। बहुत सारी अभी चीज़ें उलझी हुई हैं, मैं उनको सुलझाने की जगह ना और उलझा रहा हूँ, तो अभी उनमें से एक चीज़ है जिसको मैं सुलझाने जा रहा हूँ। 4-5 दिन लगेंगे मेरे को अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाने में, ट्रैक पे आ जाएगा फिर उसके बाद देखेंगे गाड़ी लेनी है क्या करना है। अब सब टेंशन छोड़ दिया मैंने, पहले 3-4 दिन से मैं बहुत टेंशन ले रहा था, लेकिन अभी दिमाग को एकदम फ्री कर दिया है, मौज लेना है और रोज़ लेना है, नहीं मिले तो खोज लेना है। ये सारे इतनी धीरे क्यों चल रहे हैं, यहाँ आते ही सारे स्पीड स्लो कर लेते हैं 50 से नीचे, सामने लगे हुए हैं 2 कैमरे। मेरे को समझ नहीं आता, शायद मैंने पहले भी एक आधी वीडियो में बताया है कि ढलान वाली रोड पे क्यों कैमरे लगे होते हैं, ये रोड इतनी स्मूथ है और हल्की ढलान वाली भी है। हाय अच्छा सबसे बढ़िया चीज़ क्या है ना इस बाइक में, जैसे पेट्रोल ख़त्म होने वाला इंडिकेशन आ गया, साथ में लिखा हुआ आ गया अभी 73 किलोमीटर बाइक और चल सकती है। 73 लिखा है, 65 तो चलेगी कम से कम, ये तो पता लग जाएगा कि हाँ इतनी दूर चल सकती है, पेट्रोल कब डलवाना है, बहुत ही बेहतरीन। तो यहाँ हम जिस काम से आए थे ना वो अपना काम हो गया, यहाँ से गड्डियाँ लेने आए थे नोटो की, मतलब बैग में भर ली, एक जेब में भर ली, रस्ते में उड़ाने के लिए जाएंगे। चलो पाजी मिलते हैं फिर से। बूम। तो यहाँ पैसों वैसे का कोई सीन नहीं था, यहाँ हम लेने आए थे कैथलिक कन्वर्टर, अभी चेक कर रहे हैं लेना कौन सा भाई, ये तो नहीं चलेगा, ये आपके वाला ही है, ये मेरे वाला ही है, ये 800 का, ये सही है जिस बाइक में डालना है ये लगा दे, और क्या जोन सा सही लग रहा था ले, ये भरे हुए हैं कम कर देंगे आज, मेरी ये डेटा केबल निकाल देना, पता चले नुकसान हो गया। चांदी की डाटा केबल भाई साहब, चांदी की डाटा केबल स्पेशल बनवाई है कि BMW पे लगाएंगे तो सिर्फ चांदी की डाटा केबल, ये दुबई से आई है। चल मेरे भाई चल, जो पीछे बैठ के फील आता ना वो अलग ही है, कंफर्ट आराम से, और मौसम भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया, तो आज हम पीछे बैठ के मोटो व्लॉग करने वाले हैं। देख रहे हो टैलेंट, देख रहे हो कूट कूट के भरा हुआ है, मतलब टैलेंट तो कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन वही है बस अपनी तारीफ करने में मज़ा सा आता है। तो भाई साहब देख के, अच्छा मेरे को ये बता, पीछे बैठ के ना डर लगता है, आगे बैठ के जितनी मर्जी चला लो पीछे रूस ही कांपती है भाई, धीरे चला धीरे चला, जो चला रहा होता है उसको पता होता है वो कैसे चला रहा है, लेकिन पीछे बैठ के ना सीरी होती है। ये अभी आप देख रहे हो जट प्रभजोत का राजमहल, किसी टाइम पे ये हमारा हुआ करता था, फिर
थोड़ी पैसों की कमी हुई उसकी वजह से हमने इसको बेच दिया। ये राजमहल का दरवाज़ा नंबर एक, ये दरवाज़ा नंबर दो। जैसे ही सूर्य देवता गए ना, हमने अपनी शर्ट भी उतार दी, धूप एकदम गायब हो गई है, मौसम हल्का ठंडा हो गया है। जब मैंने शुरुआत में धूम पिक्चर देखी थी ना, मतलब उस टाइम तो ऐसे पागल हो गए थे, बूसा बूसा सुपर बाइक, और मुंह से हमेशा यही ट्यून निकलती थी। मतलब स्कूटर भी चला रहे होते थे ना, हल्का सा ऐसे भी कट मार लिया ना तो निकलती थी धूम धूम। ये कोको पहनेगा इसके नए सींग। कोको खाना नहीं है उसको, फिर मुंह नहीं खोलना, ये ऐसे आएंगे ऐसे। शक्ल दिखा अपनी। ये कोको बन गया है डेविल। लाइट जला दूं इसकी लाइट। कोको बन गया है लाइट वाला डेविल। कोको, ए कोको, ये 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 कोको। पापा पापा आए हमारे लिए, क्या लाए पापा? आप इसके लिए कुछ लाते तो नहीं? हमने गाना तो बना दिया है। सब इसके लाते हो? लाते क्या नहीं कि सभी लाता हूँ। क्या खा ले देता है? अपनी लाते नहीं खिलाता। अरे अभी खिला, दूध लाते दूध नहीं पिलाता। अच्छा अच्छा ठीक है, सीधे ये बात थोड़ी कोई। अभी खिलाना नहीं ना, बच्चा है वो। तो क्या लेके आऊं? अभी वो खाली थैला खा के खुश है। आज तो थैला भी नहीं है कोको, तभी तो गोदी में बैठा हुआ है। ओ कोको, सोचो एक दिन आप सुबह उठे और कोको ये गाना गा रहा है, पापा पापा आए मेरे लिए क्या लाए। मतलब ये गाना गाने लग जाए फिर क्या करोगे आप? बंदी का जो बाहर लेने के लिए कुछ नहीं। तो आज इस वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। वीडियो की शुरुआत हमने कोको के साथ कर थी, एंड भी हम कोको के साथ ही करेंगे। बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो मैंने वीडियो बनाई थी ना जिसमें मैंने बोला था कोको के लिए बेल्ट लेके आऊँ, बहुत ज़्यादा शैतान हो गए, एक डेढ़ घंटा बांध के रखूँगा। काफ़ी बंदों का कमेंट आया था कि भैया अगर सही में आपके घर का मेंबर होता तो आप इसको ऐसे बेल्ट से बांध के रखते। देखो जब हम बचपन में शैतानी करते थे ना, हमें मार भी पड़ती थी, गालियाँ भी पड़ती थी, मम्मी वॉशरूम में बंद भी कर देती थी कि शैतानी करेगा तो ऐसे ही बंद रहेगा। हम बच्चे थे, हम तभी सुधरे हैं। ये बच्चा है, थोड़ा डांटना पड़ेगा, एक आधा घंटा बेल्ट से बांधना पड़ेगा तभी ये सुधरेगा। घर का मेंबर है तभी इसके लिए ऐसा कर रहा हूँ। अगर घर का मेंबर ना होता ना, ये ऐसे काट रहा होता तो मैं बोलता चल भाई काट रहा है, थोड़ा बड़ा होगा किसी को दे देंगे, फेंक देंगे। लेकिन ये घर का मेंबर है, इसका ध्यान रखना हमारा फर्ज है। होप यू अंडरस्टैंड, मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक ठोकना, बढ़िया सा कमेंट करना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा ना, कोको बोल दिया सब्सक्राइब करने के, लास्ट में बोल दे तू बोलता नहीं सब्सक्राइब कर देते, मेरे बोलने से नहीं करते। तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको मुक्का मारना, घुसा मारना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी बड़े से वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ। अब शोहरत पाली मैंने, दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।